छोड़ के आ जा। सक्सी हाँ आज 7 साल पूरे हो गए। 7 साल निकल गए। एक झूठा इल्जाम लगा था सक्सी पर, उस लिंजी ने फंसाया था, मेरा तो खून खौलता है जब मैं उस लिंजी की खबर पढ़ता हूं। अरे बाबा रुकिए, बाबा लाइए आप। मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे अरे मैं छोड़ दूंगा, मैं भाई जाऊँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? ए पुड़िया तेरा काम खत्म। अब्दुल तेरी दुश्मनी मेरे से थी। बेटा घबरा मत, आगे हम हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब जल्दी 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 जल्दी। संभालो, आरोप कैसे है? मर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। मेरे बुरे कर्मों की सजा आरुल को मिल रही है। मेरे बुरे कर्मों की सजा उनको मिल रही है। मैंने आपको फोन किया। ठीक है, चलो डिटेल में बताइए, नोट कीजिए। अब्दुल की मुझसे रंजिश थी इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे मारना चाहता था। मेरा दामाद बचाने के लिए बीच में आया और उसे गोली लग गई। कोई आपसे रंजिश थी आपकी? साहब कुछ साल पहले मुझे ड्रग्स लेने की आदत थी, मेरी नौकरी भी छूट गई।
मेरे गंगे चाय के बगान में काम करके घर चलाते थे और मैं पुड़िया के चक्कर में घर का सारा सामान बेच दिया मैंने। जब घर में भी कुछ बेचने को नहीं मिला तो मैं बाहर चोरी करने लगा। ऐसे ही एक चांदी की मूर्ति चुरा कर मैं अब्दुल को बेचने के लिए गया। उसने मुझसे वो मूर्ति छीन ली और मुझे मरता हुआ मां छोड़कर चला गया। तब से मुझको खुंदक थी उससे कि मैं बदला लूंगा। एक समय आया, मैं बदल गया, मैंने नशा करना छोड़ दिया। मैंने तब के इंस्पेक्टर गज को अब्दुल के बारे में सब कुछ बताया, उसके अड्डों पे छापा पड़वाया, उसको पकड़वाया। मैं सरकारी गवाह बन गया और उसको 7 साल की कैद हो गई। कब वो जेल से छूटा पता नहीं। आज अचानक आया और वो मुझे मारना चाहता था, उसने गोली चलाई। मेरा दिमाग बचाने के लिए बीच में आ गया और उसको गोली लग गई। लोग सही कहते हैं, अपने बुरे कर्मों की सजा अपने ही बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैं आपका दोस्त हूँ। देखिए, आप सभी के बयान तो हो गए हैं, पर अरुण का बयान लेना भी बाकी है। इंस्पेक्टर गज का तो ट्रांसफर हो गया है, पर मैं उनसे बात करता हूँ ताकि हम अब्दुल को जल्द से जल्द पकड़ सकें। अरुण मेरा बेटा है, मैं उससे बात कर सकता हूँ? सॉरी। We'll be right back.
मन्ना अरुण के साथ हुए हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। बहुत मुश्किल से समझा पाया उसे, ये ना उसका दोष है ना किस्मत का दोष है, जो लिखा है वो होता ही है। तकदीर, मैंने जिंदगी में जो चाहा मुझे मिला, मेरे जो सपने थे पूरे हुए, इच्छाएं भी अधूरी नहीं रही। लेकिन अरुण कभी अपने लिए नहीं जिया, वो हमेशा तुम्हारे लिए जिया। जैसे तुम्हारा सपना मैरीकॉम बनना था, वैसे ही अरुण का सपना तुम्हारे सपने को पूरा होते हुए देखना था। तुम्हारे अस्थमा होने के बाद से मैं हमेशा इस बात के खिलाफ थी कि तुम बॉक्सिंग करो, लेकिन अरुण अरुण हमेशा तुम्हारे साथ रहा, और आज मैं अरुण की जगह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बेटे। मैं चाहती हूँ कि तुम बॉक्सिंग करो, तुम रिंकी को हराओ, और अरुण का सपना पूरा करो बेटे। हाँ हाँ कक्षी, अब तुम्हें अरुण के सपने के लिए जीना है, तुम्हें अरुण के आखिरी सपने को पूरा करना है, तुम्हें लिंजी को हराना है। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। मम्मी करेंगी बॉक्सिंग, करेंगी मम्मी बॉक्सिंग। Thank you.
की विनर है ब्लू। एक्सक्यूज मी सर। सर तंजीत सर कहाँ मिलेंगे? तंजीत तो कब करे जान करके चला गया। रिजाइन क्यों? तंजीत की एक स्टूडेंट थी कक्षी, वो यहाँ की पहली स्टूडेंट थी जो डोप टेस्ट में पकड़ी गई थी। बाद में पता चला कि कक्षी निर्दोष थी, उसे फंसाया गया था। इस बात का खुद को जिम्मेदार मानते हुए धनजीत रिजाइन करके चला गया। सर मुझे उनका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? नहीं नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं। तुम्हें भी बात थी जो तुम्हें बता दी। अब तो पक्का है लिंडी ने ही वार्डन के साथ मिलकर तुझे फंसाया था। इन सब बातों से क्या करना गौरी? मैं धनजीत सर को ढूंढ रही पर उनका पता ही नहीं मिल रहा। धनजीत सर तो एक छोटे से स्कूल में गरीब बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते हैं। हाँ चाहती हूँ मैं उनसे कभी कभी मिलने, वो हमेशा तेरे बारे में पूछते हैं। तूने बताया क्यों नहीं? कैसे बताती, तुझे तो स्पोर्ट्स के नाम से ही एलर्जी हो गई थी, कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करती थी। पर कक्षी तू फिर से बॉक्सिंग क्यों करना चाहती है? देख अपने बारे में ना सही तो कम से कम सोनू के बारे में तो सोच, कहीं कुछ कम ज्यादा हो गया तो सोनू का क्या होगा? मुझे तो ये भी नहीं पता था गौरी क्या अरुण के जिंदगी में एक चीज सीख ली है मैंने गौरी, कि जो होना होता है ना हो जाता, फिर क्यों परवाह करनी कि यूं होता तो ऐसा होता, यूं होता तो वैसा होता। बचपन से लेके अब तक जो मेरे साथ हुआ वो मैंने सोचा था क्या, पर हुआ ना। जिंदगी हमारे कैलकुलेशन से तो नहीं चलती, कैलकुलेशन करनी क्यों, बस काम करते जाओ और जो होगा वो देखते जाओ। जो कर रही है वो सही कर रही है गौरी। फिर आर्य भी तो यही चाहता था कि सबकी वापसी करे बॉक्सिंग में और लिंजी को हराए। लिंजी की जब भी कोई न्यूज आती आर्य हमेशा मुझे कॉल करता और कहता कि देखो किस तरह शक्ति का हक मारकर आज लिंजी कहां पहुंच चुकी है। कक्षी तुमने उस टूटे एग्जाम को भूलकर जीना तो सीख लिया था मगर अरुण के दिल पर वो नासूर बन चुका था। अरुण को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब तुम लिंजू को बॉक्सिंग में हराओ। मुनीम प्रैक्टिकल सोचो, कक्षी ने 7 सालों में बॉक्सिंग ग्लव्स को पहना भी नहीं है और लिंजी मैच पे मैच जीती जा रही है। लिंजी बॉक्सिंग में मास्टर हो चुकी है और इसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो ये डिफरेंस है ना, कोई छोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर दिल में जज्बा हो तो हिमालय भी छोटा पड़ जाता है ना गौरी। पूरी जिंदगी यही सोचते रहना कि मैं तब लिंजी को हरा देती, उससे बेटर ये नहीं कि अब मैदान में उतरू और उसे हरा दू। कोशिश करना तो अपने हाथ में है ना, मैं कोशिश करूंगी के लिए करूंगी। मैं तुझे धनजीत सर का एड्रेस देती हूँ, जहां तूने लाइफ में इतनी कोशिशें की वहां एक कोशिश और कर ले। Yeah. Okay. Yeah. Stop.
गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो 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 तुम यहाँ पर गार्ड भी करो अपने आप को मारो गुड गुड दोबारा दिल क्यों मिल रहा है दूसरी बार पापा के लिए